أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारे पास जैकोबीज मेथड जिसका दो नाम है मेथड ऑफ साइमल्टेनियसली और डिस्प्लेसमेंट और उसके बाद गॉस सेडल मेथड इन दोनों को मेथड ऑफ साइमल्टेनियसली डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है यानी दो के नाम जो होते हैं वो एक ही जैसे हमारे पास रखे गए यानी मेथड ऑफ आपके पास ये नाम जो है ये दोनों का हमारे पास इसका नाम भी है हमारे पास क्या कहते हैं जैकोबीज मेथड का और उसका नाम भी हमारे पास है गॉस सेडल मेथड का यानी दोनों के मेथड जो है वो आपके पास एक जैसे हमारे पास रखे गए तो लिहाजा इसको हम इस तरीके से ही नोट करेंगे कि ये हमारे पास है ये इसका नाम और इसका नाम। नेक्स्ट पेज पर आते हैं जी हम यहाँ पर इसके अंदर तो हमारे पास इसमें ये हमारे पास है नेक्स्ट पेज। हाँ जी ये हमारे पास आ गया। ये देखिए जी ये हमारे पास ना एक सिस्टम दिया गया है और सिस्टम हमारे पास ये जिसको कहा गया है कि आप सॉल्व द सिस्टम बाई गॉस यानी गॉस सेडल मेथड और जैकोबीज मेथड से सॉल्व। ये सिस्टम हमारे पास गिवन है बहुत केसेस में यानी कि हमारे पास जो सिस्टम गिवन है उसके अंदर बहुत केसेस के अंदर आपको इसको जो करना पड़ता है वो हमारे पास ये सिस्टम जो गिवन है ये सिस्टम हमारे पास इसके अंदर दोनों से सूरते हाल में जैकोबी से भी कर सकते हैं गॉस सेडल से भी कर सकते हैं। बेस्ट कौन सा होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब दूसरा हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर इसके बाद हमारे पास ये देखें जी इसमें सबसे पहले अरेंज सिस्टम करते हैं फर्स्ट अरेंज द सिस्टम। जब भी आप यहाँ पे करें तो सबसे पहले सिस्टम अरेंज करने की कोशिश करें। ये देखेंगे हमारे पास इसके अंदर नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं हम इसमें अरेंज द सिस्टम के अंदर हमने सबसे पहले यहाँ पर कोएफिशिएंट देखने किसके देखने की कोएफिशिएंट मिसाल के तौर पर हम देखना चाहते हैं इसके यानी हम जो देखना चाहते हैं वो हम देखना चाहते हैं इसके एक्स वन के कोएफिशिएंट यानी एक्स वन के कोएफिशिएंट जो है वो मैक्सिमम किसके अंदर जो हमारे पास होंगे यानी हम इसके कोएफिशिएंट को चेक करना चाहते हैं। ये हमारे पास है ये x1 का कोएफिशिएंट इसमें जो मैक्सिमम हमारे पास है वो हमारे पास -18 यानी वो हमारे पास जो है वो हमारे पास -18 तो -18 मैक्सिमम है इसी को हमने जो है वो चेक करना है इसके अंदर -18। इसको चेक करने का तरीकेकार हमारे पास ये होगा कि आप इसके अंदर इसका जो जिसको मैक्सिमम हमारे पास है उसको आप उसको जो है हम यहाँ पर यानी मैक्सिमम जो हमारे पास है उसका मॉड लें यानी उसका हम जो है वो मॉड हम यहाँ पर लेंगे। ये देखिए जी ये हमारे पास इसका हमने मॉड लिया यानी ये हमारे पास इसके अंदर ये हमने इसका मॉड लिया यहाँ पर और उसके बाद यानी -18 का ये हमने इक्वेशन दोबारा लिखी यानी कौन सी इक्वेशन लिखी इस इक्वेशन को हमने दोबारा लिखा और उसके बाद भी ये -18 हमारे पास है इसका मॉड उसके बाद ये मॉड हमने लिया है और जो बाकी इसके कोएफिशिएंट है जिस तरह ये +1 है इन सबको प्लस कर देंगे +1 +3 +2 यहाँ पर जब हमने इसकी चेकिंग कर दी तो हमारे पास जो आंसर होगा मैंने यहाँ गलती से -3 -2 लिख दिया मैं इसको भी सही कर लेता हूँ यहाँ पर आपने इसको प्लस कर देना है कि प्लस जो है वो हमारे पास लिखा जाए यानी कि प्लस के तौर पर हमारे पास मौजूद होगा इसको हम प्लस कर देंगे सबसे पहले कि ये हमारे पास प्लस लिखा जाए इसमें यानी यहाँ पर इसको जो है हम इस तरह लिखेंगे
ये वन वन और उसके बाद प्लस, आगे थ्री और उसके बाद प्लस टू, प्लस टू, और इसका आंसर जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है जी आंसर सिक्स, सिक्स हमारे पास आता है। और ये बात जो है वो दुरुस्त है कि सिक्स जो है इससे मतलब हमारे पास ये आ जाता है इसके अंदर कि आपके पास ये बात दुरुस्त है कि जो 18 है यानी प्लस 18 जो हमारे पास है वो ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर देन है जी, सिक्स से। अगर ये सिक्स से ग्रेटर देन है तो इट मीन्स ये हमारे पास ट्रू है, यानी ये ट्रू है। ये हमारे पास देखा, ये जो वन प्लस टू प्लस थ्री हमने कहाँ से लिए, हमने लिए जी इसको वन प्लस टू को हमने जो हासिल किया है, यानी वन प्लस टू प्लस थ्री को जो हमने हासिल किया है वो कहाँ से हमने हासिल किया जी, इसके अंदर से हासिल किया है, यानी ये हमारे पास है जी, इसके अंदर हमने हासिल किया है। ये स्टंप किससे हासिल किया, प्लस वन, और इसको माइनस थ्री को प्लस थ्री कर दिया, फिर ये माइनस टू को प्लस टू कर दिया, तो ये हमने यहाँ पे लिखा वन प्लस टू प्लस थ्री ग्रेटर देन, और ये यहाँ से 18 हमारे पास लिखा है। अगर ये ट्रू हो तो इसका मतलब है कि इसको फर्स्ट पोजिशन पे लिखा जाए, इसको फर्स्ट पोजिशन पे लिखा जाए एक्स वन के को, एक्स वन को जो है वो हमने फर्स्ट पोजिशन के ऊपर जो है वहां पर लिखना है, यानी इसका मफहूम हमारे पास ये आएगा कि इसको एक्स वन को, ये वाली इक्वेशन जो है ये इक्वेशन, इसको सबसे पहले आप यानी इसमें लिखेंगे जी हमारे पास, यानी इस इक्वेशन को आपने सबसे पहले लिखना है अरेंज सिस्टम के अंदर, ये लिख दिया जी, यानी कि ये यहाँ पर लिखा। उसके बाद फिर दूसरा चेक करते हैं जी, दूसरे के अंदर भी ये मिस्टेक है कि हम यहाँ पर ये देखते हैं, सबसे पहले तो इसको देखते हैं कि ये इसमें कौन सा हम जो है वो कंपेयर करें। ये देखिए जी, हम इसके अंदर कंपेयरिंग के अंदर अब दूसरा करते हैं अरेंज करने के लिए, तो हमारे पास क्या कहते हैं, इधर हमारे पास आएगा जी इसके अंदर ये हमारे एक्स टू और उसके बाद ये इसके कोएफिशिएंट को कंपेयर करना, तो इसके अंदर देखना है कि सबसे हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर सबसे ग्रेटर कोएफिशिएंट कौन सा है, माइनस थ्री है, यानी सवाल हमारा ये है कि माइनस थ्री है, या आपके पास क्या कहते हैं इसमें हमारे पास इसमें अब आपके पास क्या कहते हैं माइनस थ्री हमारे पास है, ये ग्रेटर है, या इसको प्लस थ्री कर ले और 0.9, यानी जब हम चेक करेंगे तब भी हम इसको सारे साइन को इग्नोर कर देंगे जो हमने हाईलाइट किया, यानी माइनस थ्री को प्लस थ्री पढ़ेंगे, इसे प्लस थ्री पहले से ही है, प्लस 13 हमारे पास होगा और प्लस टू, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये हमारे पास प्लस 13 जो है वो सबसे ग्रेटर है, तो हम यहाँ पे 13 इस साइड पर लिखेंगे, 13 हम इस साइड पर, और जो बाकी हमारे पास है इसके कोएफिशिएंट यानी टू और उस जो इस रो में हमारे पास आते हैं, तो टू हमारे पास आ गया, फिर इसको माइनस टू की जगह प्लस टू कर देना, जो कि मैंने यहाँ पे ये टू जो है ये हमने इधर लिख दिया, और इसके बाद हमारे पास कहते हैं यानी ये टू हमने इसको इस टू को जो है वो यहाँ पर लिख दिया, और इसके बाद ये माइनस टू है इसको हमने प्लस टू लिखा, यानी कि प्लस टू हमने जो है कोशिश कर लेते हमारे पास प्लस टू हमारे पास ये प्लस टू होगा इसको मान ले, और उसके बाद फिर हमारे पास इसका जवाब जो है वो यहाँ पर आएगा जी 4 into, यानी हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा जी इसके अंदर, इसमें जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 4 into 2 अंडर, यानी 4 into 2 अंडर रूट हमारे पास आएगा, 4 into 2 अंडर रूट में यहाँ पे यानी कि 4 into 2 अंडर रूट आएगा, और ये बात ट्रू है कि जो 13 है यानी 13 हमारे पास, 13 हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन है 4 into 2 अंडर रूट से, आप बेशक कैलकुलेटर पे चेक कर लेना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन लिखनी चाहिए इसके अंदर वो हमारे पास कौन सी होनी चाहिए, वो क्वेश्चन जो हमारे पास लिखनी चाहिए वो हमारे पास ये होनी चाहिए थी, इसके अंदर इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन लिखी जानी चाहिए वो ये होनी चाहिए, ये हम तक देख लेते हैं इसके अंदर, यानी ये है 13, यहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पास होनी चाहिए, ये वाली ये इक्वेशन जो है ये लिखी जाएगी सेकंड पोजीशन पर, ये सेकंड पोजीशन पे लिखी जाएगी, इसी तरह हम बाकी चेक करते हैं। अब हमने इसके अंदर जो यूज कर चुके, एक तो ये इक्वेशन हमने यूज कर ली, इसको हम टिक कर लेते हैं,
और एक इक्वेशन जो हमने यूज की वो ये वाली, यानी ये लास्ट पोजिशन ये लिख दी हमने, यहाँ पर ये लिख दी। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो इक्वेशन दोबारा इस्तेमाल में नहीं आई। अब हम आते हैं जी दूसरी तरफ के हमारे पास क्या कहते हैं, यानी पहली दो इक्वेशन आ गई, अब हम एक्स थ्री के कोएफिशिएंट को जो है हम अरेंज करेंगे, यानी उसको जो है वहां पर लिखेंगे कि वो हमारे पास एक्स थ्री का कोएफिशिएंट, देखेंगे कि सबसे बड़ी ग्रेटर वैल्यू हमारे पास कौन सी आई। तो एक्स थ्री का कोएफिशिएंट ये है जी हमारे पास एक्स थ्री, यानी इसमें हमारे पास जो लिखा जाएगा वो हमारे पास होगा, यानी ये देखें ये हमारे पास है माइनस फोर और ये हमारे पास माइनस फोर्टीन है और ये माइनस टू है, ये माइनस थ्री। तो हम कौन सा यूज करेंगे, यानी कि हमारे पास क्या कहते हैं कौन सा यूज हो जो हमारे पास है इसके अंदर लिखा जा सके, यानी कि हमारे पास किसको यूज करना हमारे लिए बेहतर है। तो हम देखते हैं कि ये जो माइनस फोर्टीन है इसको हम प्लस फोर्टीन पढ़ेंगे, यानी जितने क्वेश्चन लिखे हैं इसे आप माइनस फोर को प्लस फोर पढ़ें, आसानी के लिए बता रहा हूँ। फिर उसके बाद प्लस फोर्टीन मॉड बाद में ले लेंगे, फिर उसके बाद प्लस टू प्लस थ्री हमारे पास लिखा जाएगा। अब इसके अंदर से देखना है ये प्लस फोर्टीन हमने सुजेस्ट किया, यानी हमने प्लस फोर्टीन जो है वो हमने सुजेस्ट किया। अब हमने देखना है कि फोर्टीन जो है चाहे ये जबानी गल, फोर्टीन जो है बाकी इसके अंदर जो किसी क्वेश्चन के अंदर जो वेरिएबल है उनके क्वेश्चन से ग्रेटर है या नहीं, सबको हमने प्लस कर देना। ये भी प्लस थ्री पढ़ेंगे, ये प्लस वैली है, ये भी प्लस पढ़ लेंगे और प्लस वन बाई थ्री पढ़ेंगे। पहले डिसाइड करेंगे इनमें से ग्रेटर कौन सा है, फिर उसके बाद जो ग्रेटर होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड पर रख देंगे, जैसा कि अभी हम रख रहे हैं यहाँ पर, यानी ये हमारे पास है इसके अंदर इसमें हम रखते हैं जी इसमें। तो ये हमारे पास यानी इसका हमारे पास अगले क्वेश्चन के अंदर रखा था जी हमने, तो अगले क्वेश्चन के अंदर हम यहाँ पे रखते हैं जी इसमें। अगले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जब हम सेट करेंगे इसे तो यहाँ 14 हम लिखेंगे, 14 हमारे पास लिखा जाएगा। देखिए जी हम कर लेते हैं यहाँ पर इस 14 को हमने, इस 14 को हमने जो है ये देखिए जी इस 14 को हमने यहाँ लिखा, इसको वो जो हमने x3 का डिसाइड किया था ये प्लस 14 पहले कर दें और इसको भी प्लस कर दें प्लस 3, क्योंकि यहाँ सारे प्लस लिखे जाएंगे जो इसके रो इस क्वेश्चंस के अंदर कोफिशिएंट्स होंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका जो भी जवाब आएगा ये गलत जवाब आ गया हमारे पास इसके अंदर, इसका जवाब जो है आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये प्लस 14 जो है वो ग्रेटर देन होगा इसके इसके सम के साथ, इसके सम के साथ वो जो है हमारे पास ग्रेटर देन होगा। लिहाजा ये हमारे पास कहते हैं ये एक्स थ्री थर्ड पोजिशन पर हमारे पास लिखी जाएगी और हमने इसको थर्ड पोजीशन पे ही लिखा। पहली पोजीशन पे कौन सा लिखा हुआ है, पहली पोजीशन पे हमने जो लिखा है वो ये लिखा, यानी इस क्वेश्चन के अंदर ये पहली पोजीशन को लिखा बाद, और उसके बाद दूसरी पोजीशन कौन सी लिखी वो ये लिखी। अब फोर्थ रह गई क्योंकि इसके अंदर चार क्वेश्चन थे, इसके अंदर चार क्वेश्चन थे तो फोर्थ हमारे पास रह गई, तो फोर्थ के फोर्थ ये थर्ड भी लिखी गई, थर्ड भी हमने लिख दी। अब फोर्थ का भी देख लेते हैं, फोर्थ का हम वहां जाएंगे और उसके बाद लिखेंगे या डायरेक्टली यहाँ पे कर लेते हैं। ये 15 है, ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि 15 और इसको प्लस कर दें जो उसके अंदर x1 x2 और x3 के कोएफिशिएंट है, और इसका जवाब जो हमारे पास होगा वो ये नहीं आएगा बल्कि इसकी जगह हमारे पास क्या कहते हैं 6 10 आएगा। अब 10 हमारे पास है इसका मतलब 15 जो है वो ग्रेटर देन होता है, यानी कि 15 हमारे पास क्या कहते हैं ग्रेटर देन होता है, इससे ग्रेटर देन होता है हमारे पास ग्रेटर देन या इक्वल हमारे पास हो, तो ग्रेटर देन होता है 10 से, ये बात ट्रू है, यानी ये बात हमारे पास ट्रू लिखी जा रही है कि वाकई ऐसा हमारे पास होता है, यानी ये ट्रू हमारे पास लिखा जाए। लिहाजा ये चौथी पोजिशन पे अरेंज होगी, यानी हमने हर एक को वन बाई वन करके जो है वो डिस्कस करना है और उसके बाद हमने इसको यहाँ पर लिखना है। अब हम आते हैं जी इसकी सिस्टम को, यानी हमने अरेंज किया, अब बीच में से ये जो स्टेप है ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पर आपने इस सिस्टम को अरेंज किया जो हमारे पास सिस्टम था 2x1 और उसके बाद हमने इसको यानी ये सिस्टम को हमने अरेंज किया 2x1 माइनस 3x2 माइनस 4x3 प्लस 15x4 0.31 माइनस 3x1 और 0.9 माइनस 14 प्लस 1/3x4 इसको, इसमें हमने पहली पोजीशन पे इसको रखा, पहली पोजीशन को इसको रखेंगे और दूसरी पोजीशन को हम इसको रखेंगे, ये माइनस 14 को प्लस 14 करके
यहाँ पे लिखेंगे और तीसरी पोजिशन को हम यहाँ रखेंगे, चौथी पोजिशन हम ये रखेंगे। ये इस तरह अरेंज सिस्टम हो जाएगा। जब सिस्टम अरेंज हो जाता है तो ये कन्वर्जेंस होने की साइज उसके अंदर बढ़ जाती है, यानी कि हमारे पास कन्वर्जेंस होने की साइज जो है वो हमारे पास बढ़ जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। इसके अंदर आगे हमारे पास ये है कि इसमें हमने x1 की वैल्यू निकाली। जैसे x1 की वैल्यू फाइंड आउट की थी, ये पिछले पेज से हम देख लेते हैं। ये पिछले पेज में ये देखें जी, हमने सिस्टम को अरेंज किया और मैंने वहां डायरेक्टली वैल्यू निकाल दी। ये देखें यहाँ पर, अभी दिखाते हैं आपको। इसमें ये देखें हमारे पास ये यहाँ से शुरू किया। ये मैंने ये वाले स्टेप जो से है उनको आप समझे कि लिखे नहीं गए, यानी आप इसको यहाँ पे से खत्म कर देते हैं। खत्म तो मैं कर नहीं सकता, लिहाजा मैं इसको हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के लिए मैं यहाँ पर इसका इस्तेमाल करता हूँ, यानी ये हमारे पास लिखा गया। ये अब हाइड यानी यहाँ पे ये कर दिया हमने। दूसरा हमने यानी कि हमने इस तरह सिस्टम लिखा था, ये हमारे पास लिखता था, इसको हमने यानी कि तो अगले पेज के ऊपर हमने ऐसे ही लिखा था। ये हमारे पास लिखा गया थी इसके अंदर। तो x1 माइनस 18 x1 हो गया और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, यानी ये हमने हाइड कर दिया। अब इसकी जरूरत नहीं थी, यानी आप चाहें तो ये स्टेप जो है हाइड के बगैर वहां पे लिखा है मैंने, वही मैंने यहाँ पर किया। अब इसके अंदर देखिए जी, आपके पास ये x1, मैं कहता हूँ x1 की वैल्यू निकाले। कहाँ से निकालेंगे x1 की वैल्यू? आप x1 की वैल्यू यहाँ से निकालें, तो वो x1 की वैल्यू अगले पेज पे हम निकालेंगे। मैं जुबानी बता देता हूँ कि वो हमारे पास होगा 3 अंडर रूट माइनस x2 प्लस 3x3 प्लस 2x4 डिवाइडेड बाई माइनस 1 ओवर 18। और उसके बाद हमारे पास होगा इसके अंदर x2 की वैल्यू निकालेंगे। x2 की वैल्यू होगी जो मैं बाद में दिखा दूंगा आपको, कि 8 माइनस 8 को ब्रैकेट में कर लेंगे, 8 माइनस 2x1 प्लस 2x3 और उसके बाद माइनस 2 अंडर रूट x4 और ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 1/30। और उसके बाद फिर हम इसमें से x3, यानी सिस्टम को जब हम अरेंज कर लेंगे, तो अरेंज द सिस्टम के बाद हमने x पहली इक्वेशन में से x1 की वैल्यू निकालनी है, दूसरे में से x2 की, सिमिलरली x3 की, सिमिलरली x4 की, x4 की निकालते हैं जी। वो हमारे पास होगा 0.3 प्लस माइनस 2x1 प्लस, इस सबको उस तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर, तो प्लस 3x2 प्लस 4x3 माइनस 15 और डिवाइडेड बाई 4 ब्रैकेट 1/15। यही हमने जो है वहां पर किया है इसके अंदर, यानी हमने जो अब तक ये काम किया है वो हमारे पास इसके अंदर किया है। अब नेक्स्ट पेज की तरफ हम जो है इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट पेज में हमने काम क्या किया है इसके अंदर, ये देखें, ये हमने वैल्यूज को इसकी अरेंज करने के बाद हमने वैल्यूज इसके अंदर रख अरेंज की। अरेंज करने के बाद हमने इसकी वैल्यू को यहाँ रख, पहली को हमने वन कहा, यदि आप इसे क्वेश्चन नंबर वन कह लें, यानी कि फर्स्ट को हमने वन कहा, इसको वन हम कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन, और आप बेशक चेक कर लेना वहां पर। और उसके बाद एक्स टू, ये हमारे पास, और मैं सब क्वेश्चन के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है इसके नोट्स जो है वो मैं यहाँ पर आपको दे दूंगा। और उसके बाद लेकिन वो जो मैं मिस्टेक की हुई है उसको भी आप सही कर लेना। x3 जो है वो हमारे पास ये है, यानी x3 जो फाइंड और x4 ये हमारे पास है। और कहा ये जा रहा है कि जी आप इसको जो है ना कितने डेसिमल प्लेसेस तक करना है, यानी ये हमने जो है यहाँ पर इसके अंदर करेंगे कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक हम करेंगे इसके अंदर। ये यहाँ पर आ जाता है जी, चले वो अगले पेज की तरफ हम जानी पड़ते हैं। तो अगला पेज हमारे पास ये है, इसमें ये पेज हमारे पास है। सबसे पहले ना हम जैकोबीज मेथड कर रहे हैं, दोनों करने हैं हमने, कास्ट सैडल भी करना है, जैकोबीज भी करना है। सबसे पहले जैकोबीज, और ये फोर डेसिमल प्लेसेस हमारे पास है। उसके बाद यहाँ पे टेक एन अप्रोक्सीमेशन x10, x20, x30, x40। ये अप्रोक्सीमेशन उस वक्त देंगे जब हमें वहां पर कोई चीज दी हुई ना हो। मसलन मैं कहना क्या चाहता हूँ, बस मैं ये कहता हूँ कि ये राय जो है ना कि हम x1 को 0 रखें, x2 को 0 रखें, x3 को 0, x4 को 0। कोई स्टूडेंट कह सकता है कि जी आप x1 को 1 रख लें, ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसको नोट कर लें। x2 को -3 और x3 को 7 अंडर रूट, x4 को 3 करें। भाई कोई भी कुछ कह सकता है, आखिरकार हमने
इनिशियल अप्रोक्सीमेशन यही क्यों रखी एक्स वन जीरो एक्स थ्री जीरो एक्स टू जीरो एक्स फोर जीरो यही क्यों रखी हमने, हम क्यों ना ये रख लेते हैं एक्स वन जीरो, और इसको रफ वर्क कह रहा हूँ मैं कि ये करना नहीं है लेकिन समझाने के लिए एक्स वन वन एक्स टू माइनस थ्री और एक्स थ्री जो है वो सेवन अंडर रूट एक्स फोर जो है वो थ्री हमारे पास। तो आखिरकार हमने इसके अंदर ऐसा क्यों किया, तो सवाल ये है कि ये रख लेते हैं हम, यानी कि ये सारी चीजें जो है ये रख लेते हैं हम, तो हमने जो है ये रख दी उठा। इस सवाल का जवाब ये है जो भी सिस्टम दिया जाएगा, ये जो हमारे पास सिस्टम दिए जाते हैं टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू प्लस फोर एक्स फोर इज इक्वल टू सेवन, जो सिस्टम हमें यहाँ पर दिए गए थे, यानी कि जो हमारे पास लगे थे पहले में हमारे पास ये सिस्टम दिया हुआ था, ये सिस्टम यानी कि ये सिस्टम जो भी हमें दिया जाते हैं ये बकायदा जो है एक्स वन से मुराद होता है टेम्परेचर, एक्स टू से मुराद होता है प्रेशर, एक्स थ्री से मुराद होता है डेंसिटी, एक्स फोर से मुराद फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम, ये चार जो है ये कुछ वेरिएबल्स के नाम और उससे जो है ना सिस्टम अरेंज किया जाता है। वो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में करें तो वहाँ पे वेरिएबल्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, वहाँ पे डेंसिटी हो सकती है एक्स वन से मुराद हमारे पास, और उसके बाद स्ट्रेंथ हो सकती है और दूसरी चीजें वेरिएबल्स के नाम रखे। तो हम ये कहते हैं कि जी आप यहाँ पर इसके अंदर जब आप यहाँ रखेंगे तो रखने के बाद आपके पास इसमें सिस्टम में यहाँ पे ये सिस्टम के अंदर बात कर रहे थे कि ये टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम एक्स से मुराद वॉल्यूम एक्स फोर से मुराद डेंसिटी है वो डेंसिटी रख लो, इसी तरह यहाँ पर एक्स वन से मुराद टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम सिमिलरली ये हमारे पास टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम डेंसिटी। इस सिस्टम को जो एक्सपर्ट होते हैं वो बताएंगे कि यहाँ पर एक्स वन की वैल्यू क्या इनिशियल अप्रोक्सीमेशन रखे, एक्स टू की क्या रखते हैं, एक्स थ्री की क्या रखते हैं, एक्स फोर की क्या रखते हैं, यानी वो जिस तरह मिसाल के तौर पर हमारे पास ये होता है कि आप इसके अंदर जो है यानी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन जब हम कर रहे होते हैं तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के अंदर हमारे पास ये रहते हैं क्या इसका होता है कि हमें एक्सपर्ट की राय चाहिए होती है। मसलन आपने देखा होगा क्वेश्चन का अगर आपको मैसेज दिखे ठीक है तो वहाँ पे जो है वो ये कहते हैं क्वेश्चन के मैच के अंदर क्योंकि आज टेस्ट देखने के बाद तो ये पाकिस्तान विन करेगा या इंडिया विन करेगा, वो अपनी एक्सपर्ट की राय देते हैं जैसा लोग जानते हैं ना दूर से अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रिकेट से दिलचस्पी है उसके अंदर कि जब आपके पास कहते हैं यहाँ पर क्रिकेट से अगर आपको दिलचस्पी है तो उसमें ये सूरत हाल होती है कि लोग ना इतने एक्सपर्ट होते हैं कि दूर से बता देते हैं कि ये नो बॉल जाएगा, या आप जैसे अगर बैट्समैन हैं तो बैट्समैन जैसे है वो हाथ से बॉलर के हाथ से पता लग जाता है कि हमारे पास इसके अंदर कौन सा हमारे पास जाएगा, यानी ये जो बॉलर है वो हमारे पास गुगली फेंकेगा या इन स्विंग फेंकेगा या आउट स्विंग फेंकेगा, वो तो एक्सपर्ट हो जाते हैं। जैसा हम एक टीचर्स हैं तो टीचर जैसे वो बता देते हैं क्लास के अंदर कि फलां स्टूडेंट जो है वो टॉप करेगा, एक्सपेक्टेशन होती है कि ये स्टूडेंट टॉप करेगा, एक्सपेक्टेशन होती है कि ये स्टूडेंट जो है वो फेल हो जाएगा, हालांकि हम नहीं चाहते कि वो फेल हो लेकिन एक्सपेक्टेशन इसलिए से कि वो वर्क नहीं करता, और जो टॉप करेगा एक्सपेक्टेशन उसकी वजह से है कि भाई वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, यानी ये हमारे पास कह देते हैं इसके अंदर मेहनत की जाती है, तो लिहाजा ये हमारे पास इसके अंदर ये कहा जाएगा कि आप एक्सपर्ट की राय लें, चाहे वो क्रिकेट के एक्सपर्ट हों, चाहे वो आपके पास किसी फैक्ट्री के एक्सपर्ट हों या कोई बिल्डिंग बनाने वाले हों, लेकिन ना अगर ये मोटरवे बनाई गई तो वो एक्सपर्ट को बुलाया गया, ये तो नहीं कहा कि हर ठेकेदार को कि भी आप बनाना शुरू कर दें मोटरवे और फिर चलने के, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें मतलब इसके अंदर कर्वेचर है, इसमें जनता है उतार चढ़ाव है, आखिरकार ये आसान काम नहीं था मोटरवे बनाना, तो जितने भी बनाए गए वो बहुत बड़े बड़े आदमियों को उसको जो है हमने यहाँ पर उनको वो दिया ठेका देकर जो है वो वहाँ पर इसका काम वहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर आते हैं कि हम इसके अंदर इस बात के ऊपर कि ये जो है ये राय बेहतरीन राय ये है कि जिसने सिस्टम बनाया यानी जिसने ये सिस्टम बनाया है हमारे पास ये सिस्टम लिखा है ये सारा सिस्टम उससे राय ली जाए कि एक्स वन को क्या रखना है, एक्स टू को क्या रखना है, यानी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, प्रेशर कितना होना चाहिए, वॉल्यूम कितना होना चाहिए, डेंसिटी कितना होना चाहिए, ताकि हम जनता उसके साथ ले आगे बढ़ सकें। इसमें इनिशियल अप्रोक्सीमेशन यानी एक्सपर्ट की राय की बहुत ज़रूरत है। अक्सर
अगर आप किताब के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे किताब के अंदर वो एक्सपर्ट राय जो है वो हमें दे दी जाती है कि भी आप जो क्या एक्सपर्ट राय हमारी ये वो दे दी जाती है। जैसा कुक है, कुक बता देगा क्योंकि आप इसके अंदर जो उसने रेसिपी बनाई है कि आप जो जो राइस बनाना चाहते हैं तो इसका टेम्परेचर इतना रखें, पानी इतना डालें, वो उसकी अप्रोक्सीमेशन अभी बनना नहीं है। यानी कि अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये है कि आंसर इसके से यहाँ से आप स्टार्ट करें तो आपका जवाब जो है वो दुरुस्त हिम्मत में जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता तो हम X1 को 0, X2 को 0, X3 0 हम रखते हैं। ये हमने इसकी राइट हैंड साइड के अंदर रखी, ये हमारे पास X1 0 X2 0 हमने इसके अंदर रखा इन द राइट हैंड साइड 1, 2, 3, 4 4th के अंदर जो है वो हमने यहाँ पर रखी। अब उसके बाद ये हमारे पास चली इनकी वैल्यूज को जो कि नंबर 1, 2, 3, 4 है उनके अंदर हमने रखी थी, उनके नंबर हमने यहाँ पर दे रखे थे। ये देखें ये हमारे पास फोन इसके नंबर ये 1 है, हमारे पास ये 1 है और ये हमारे पास 2 है। नहीं सर ये नहीं, हमारे पास अगले पेज के ऊपर हमारे पास मौजूद 2 है, तो लिहाजा ये हमारे पास इसके अंदर लिखा जाएगा। आगे देखें हम इसके अंदर इसमें क्या कहते हैं, तो सबसे पहली एडिशन जो है वो हमने यहाँ पर की और उसके बाद इसमें 1 ये हमारे पास है, ये 1 यानी 1 हमारे पास ये यहाँ पे रखे, X2 को 0 रखा, X3 को 0 रखा, X4 को 0 रखा और उसके बाद X1 0, X3 0, X4 0 इसी तरह X1 X2 और उसके बाद इसी तरह यहाँ X1 0, X2 0, X3 0 और फिर हमने जो है इसको हल किया यानी कि सॉल्व किया तो हमारे पास जो जवाब था वो हमारा ये आया, यानी ये जवाब आया जी हमारे पास जब हमने इसको सॉल्व किया। अगर इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो वो आपको फिर चलेंगे। X2 का जवाब ये आया, X3 का जवाब ये आया और X4 का जवाब ये हमारे पास आएगा 0 रखने के ऊपर। ये जो हमारे पास आंसर आए ये आंसर यानी कौन कौन से आंसर थे, एक ये हमारे पास आंसर X1 का, X2 का, X3 का हमारे पास आंसर -0.0306 और X4 0.0206 इन सब को हम जो है इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट एडिशन में। लेकिन ये नेक्स्ट एडिशन के अंदर हम इसका वही चीज़ें दोबारा लिखेंगे और यहाँ पर X1 -0.096 और X2 0. जो पिछले इसमें आए थे जवाब 0.6153, X3 -0.0306, X4 0.0206 ये कौन से होंगे हमारे पास, ये वो जो ये वाले जवाब आते हैं जो हमने दोबारा लिखे हैं। X1 की वैल्यू ये, X2 की ये, X3 की ये, X4 की हमारे पास की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर ये लिखी। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं जी, इन वैल्यूज को फिर दोबारा हमने सब्स्टिट्यूट किया जी, सब्स्टिट्यूट इन राइट हैंड साइड 1, 2, 3, 4 4 की राइट हैंड साइड में हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया। तो हमने जब इसको सब्स्टिट्यूट किया इसके अंदर भी हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया, हमने जो सब्स्टिट्यूट किया था वो हमने इसमें किया था, इसमें ये X2 की वैल्यू यहाँ रखी, X3 की वैल्यू दी, X4 की वैल्यू दी, फिर X1 की, X3 की, X4 की, X1 X2 4 हमने वैल्यूज रखी सब जगह इन द राइट हैंड साइड के अंदर। और फिर हमने इसको हल किया, हल करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया, ये जैसे हमने -0.0592 और फिर उसके बाद 0.6158 और देन हमारे पास क्या कहते हैं ये आंसर हमारे पास आ गया और ये आंसर हमारे पास आ गया। अब इस एक्चुअली ये आ गया जी, इन सबको हमने उस नए किस्से में सब्स्टिट्यूट किया और उसके बाद ये हमारे पास अब इन सबको दोबारा हमने इसके अंदर नोट कर लेना एडिशन नंबर 4 के लिए। X1 जो है -0.0766 कहाँ तक करेंगे ये दूसरा सवाल है, इसको हम जो है यहाँ पर बाद में नोट करेंगे। उसके बाद 0.1483 और X3 -0.0251, X4 0.1487 इसमें और उसके बाद इसकी सब्स्टिट्यूशन दोबारा हम कहेंगे जी आप इसको सब्स्टिट्यूट करें, पुट करें इसमें इन द राइट हैंड साइड ऑफ 1 और उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास इन द राइट हैंड साइड ऑफ 1, 2, 3, 4 यानी ये हमारे पास इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें, ये 1, 2, 3, 4 इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें इसकी राइट हैंड साइड के अंदर। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या कहते हैं यानी हमारे पास राइट हैंड साइड हमारे पास इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें, राइट हैंड साइड की मुराद हमारे पास इसकी ये राइट हैंड साइड इसके अंदर ये सब्स्टिट्यूट, ये राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करें इनकी राइट हैंड साइड में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें। और फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर जब फिर वो वैल्यूज जो हमने यहाँ पर लिखी थी एडिशन के अंदर
आगे हम देखेंगे कि हमारे पास वो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। आगे भी हमने इन वैल्यूज को रखा और नेक्स्ट पेज की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर, नेक्स्ट पेज के ऊपर हमने ये टेबल बना लिया। कहाँ से ये टेबल बनाया? ये टेबल हमने बनाया है व्यू, जो वैल्यूज हमने रखी थी उन्हीं वैल्यूज के तहत जो है हमने बनाया, यानी हमने जो जो वैल्यूज हासिल की यहाँ पर उसके अंदर वैल्यूज इसमें से रखकर हमने जो जो वैल्यूज हासिल की उसके अंदर हमने टेबल बनाया। ये वाली वैल्यू यानी हमारे पास जो 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 वैल्यूज हमारे पास हासिल हुई हमने उसके अंदर से टेबल बना लिया। ये टेबल हमने ये यानी कि ये वैल्यूज हमने रखी पहले 0 0 रखी, फिर ये वैल्यूज रखी दूसरी आइटेशन, जब ये पहली यानी आइटेशन नंबर 1 में इन सबकी वैल्यूज को मिलाकर हमने जो है यहाँ पर टेबल बना लिया। अब टेबल जो हमने बनाया है वो हमारे पास यहाँ पर इधर मौजूद है, इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास टेबल ये उसकी पिछली वैल्यूज को जो हमने काम किया आइटेशन नंबर 1 में जो जो जवाब आए 0 0 का मतलब है ये अप्रोक्सीमेशन है और जो जो आंसर हमारे पास आया उन सबको हमने यहाँ पर बना लिख दिया। आइटेशन नंबर 1 में ये जवाब आया था X1 का और X1 का ये, X2 का ये जवाब आया था, X3 का ये जवाब आया था, X4 का ये जवाब आया था। इसी तरह आइटेशन नंबर 2 में ये आंसर आए थे X1 के और फिर उसके बाद X2 के, ये हमारा X2 का आइटेशन नंबर 3 में ये आंसर था, X3 का आंसर जो था वो ये था, X4 का आंसर ये था। इसी तरह X4 आइटेशन में ये हमारे पास ये आंसर हमारे पास आए तो हम इसको जो है यहाँ पर इसके अंदर लिखते हैं कि फिर अगला जो है वो बाद में हम डिस्कस करते हैं और इसमें फैसला कैसे करेंगे कि ये पॉइंट कौन सा कन्वर्जेंस करना है और कहाँ तक हम करेंगे। इसमें जो रूट लिखते हैं वो मैं आपको